हेलो गाइस वेलकम टू निक्कीज़ किचन आज हम लोग बनाने जा रहे हैं फ्रेश पाइनपल केक जैसा कि नाम में है फ्रेश पाइनएपल दैट मीन्स हम यहाँ पर फ्रेश पाइनएपल एक्चुअल में यूज़ करने वाले हैं ऑफ कोर्स एसेंस यूज होगा बट यहाँ पे रियल पाइनएपल भी लेंगे जैसा कि आप देखिए ये कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं पानेप्पल एंड शुगर यहाँ पे इसको सिर्फ दो मिनट के लिए हमको गैस के ऊपर में कुक करना है पूरा कुक नहीं करना है सिंपली दो मिनट दैट्स इट थोड़ा सा ये वॉर्म हो जाए मेल्टिश हो जाए उसके बाद हमारा दूसरा सेट ऑफ इन्ग्रीडियंट्स कुछ खास नहीं है शुगर पाउडर मैदा मिल्क ऑयल अंडे वेला एसेंस ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो केक मेकिंग के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एंड मोस्टली आपके घर में ही मिल जाएंगी आपको ये सारी चीज़ें तो ये सब चीज़ों को असम्बल कर लीजिए और द केक अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने वो जो फ्लोर लिया है जो हमारा मैदा होता है उसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसको विस्क कर देंगे एज एन उसके अंदर अगर थोड़े छोटे दाने होते हैं कुछ भी होता है कुछ इम्प्योरिटीज़ गंदगी जो भी है वो साइड हो जाए और एकदम प्योर पाउडर मिले नाव नेक्स्ट स्टेप इज़ हमारे एग्स को आ, फोल्ड लेंगे और इसमें से एक योग को हटा लेंगे ये आप नहीं भी हटाओगे तो भी चलेगा बट ऑफकोर्स हटाओगे तो कुछ उसका अच्छा बेनिफिट है मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है इससे तो जब हमने एग योग को हटा लिया है हमारे पास सिर्फ अभी एग वाइट बचा हुआ है उसको अच्छे से मिला लीजिए ब्लेंडर रहे तो बेस्ट है आप अपने उस किसी स्पून से भी मिला सकते हैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ब्लेंडर है तो बेस्ट है इससे देखिए कितनी जल्दी ये हो गया मिक्स अब ये जैसे ही मिक्स हो गया इसमें हम अपना दूसरा इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे जो कि है शुगर अब शुगर का एक कैच है इसको एक साथ पूरा क्वांटिटी नहीं डालना है इसके अंदर अपन को थोड़ा थोड़ा करके डालना है और उसको मिक्स करते जाना है थोड़ा डालिए मिक्स करिए थोड़ा डालिए मिक्स करिए ताकि वो पूरा इवनली मिक्स हो जाए कहीं पे थोड़ा पाउडर ना रह जाए शुगर का पाउडर रहेगा तो वो मजा नहीं आएगा अब जब आपका शुगर एडेड है अपना एक योग डालिए और एक फाइनल ब्लेंड कर दीजिए ये सारा एक चीज ये सब मिक्स हो जाएगा जो हमारा पर्पस था अब इसके बाद हमने ऑयल ऐड कर लिया ऑयल ऐड करने के बाद हमारा दूध ऐड कर लिया और फिर से ब्लेंड कर दिया ये बढ़िया से फिर समझ लीजिए ट्वेंटी सेकेंड्स थर्टी सेकेंड्स ब्लेंड कर देना है एक बार ब्लेंड होते ही फिर जो हमने मैदे को वो कर लिया था पहले ही हमने अलग विस्क करके छान लिया था वो मैदे को मिलाना है और कट कट एंड फोल्ड फॉर्मेशन से आपको इसको मिक्स करना है कट एंड फोल्ड क्या होता है कुछ नहीं होता ये सामने जैसे हम लोग किया ये देखिए कट फोल्ड कट फोल्ड लाइक दैट कुछ भी नहीं है बहुत सिंपल है आप इसको इस तरह से मिक्स करेंगे एक ही साइड से मिक्स करना है अगर आप लेफ्ट ही हैं तो आप लेफ्ट से कट करके फोल्ड करिए या राइट ही हैं तो जैसे ये दिखा रहे हैं हम वैसे करिए अब जब ये आपका सारा इन्ग्रीडियंट्स मिक्स हो गया इसमें हम लोग ने एक टेबल जो भी टेबल स्पून है उसमें से वनीला एसेंस डाल दिया अब जो हमारा पाइनएप्पल जिसको हमने दो मिनट कुक करके थोड़ा सॉफ्ट कर दिया था जूसी कर दिया था उसको इसमें मिला देना है और इसको अब मिक्स कर देना है सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे जब आप पिनापल डाल दोगे इसके बाद आपको ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है कट एंड फोल्ड ही अपना होता रहेगा ताकि हो जाए अब इसके बाद जो हमारा केक मेकिंग पॉट हो सबके पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं ये मेरा एक बहुत बेसिक पड़ा हुआ है आपके पास कुछ अलग डिज़ाइन का होगा किसी के पास हार्ट शेप होता है किसी के पास राउंड शेप होता है तो आप उसको अच्छे से बैटर कर लीजिए इसमें ऑयल डाल के अच्छे से उसको ग्रीसिंग कर लीजिए ग्रीसिंग करने का पर्पज़ सिर्फ ये है आप इसकी जगह ग्रीस पेपर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप इस तरह से ग्रीस करिए ग्रीसिंग का ये फ़ायदा है कि जब केक रेडी हो जाएगा तो वो नीचे चिपकेगा नहीं मस्त आराम से बाहर निकलेगा पूरा एक शेप में नहीं तो कई बार होता है इधर काटना पड़ता है उधर काटना पड़ता है तो वो सब नहीं करने की जरूरत है अब यहाँ पर हमने एक लो रैक ले लिया है माइक्रोवेव में और इसको हमने प्रीहीट कर लिया है और बस इसके बाद हम लोग इसको 35 से 40 मिनट्स 35 फाइव मिनट्स नॉट फोर्टी मिनट्स सॉरी ये एक्यूरेट बनेगा ये जितना हमने क्वांटिटी लिया है इस क्वांटिटी के लिए 35 फाइव मिनट्स इज मोर देन इनफ 35 फाइव मिनट्स इसको कुक होने दीजिए 35 फाइव मिनट्स के बाद आपको दिख जाएगा आपका केक डन है आपको चाहिए एक बार किसी चाकू से या किसी स्पून को डिग इन करिए वो अंदर से कुक हुआ है कि नहीं वो चेक कर लीजिए बट आई एम श्योर पैंतीस मिनट में ये कुक हो जाएगा देखिए हमने दिखाया है कैसे चेक करना है ये देखिए ये टोटली कुकड है अब आप देखिए एजेस ये एजेस कितने अच्छे से दिख रहा है कि हाँ ये इवनली हो गया है और ये पूरा बाहर निकलेगा ये जस्ट बिकॉज हमने उसको नीचे से अच्छे से लेयर कर दिया था एक पाउडर मैदे के लेयर से उसको कर दिया था ऑयल के साथ ये केक पूरा निकल के आ गया डस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका केक ये पूरे पीस में बाहर निकल के आए ये देखिए कितना बढ़िया निकल के आया एकदम यम ही लग रहा है मेरे को तो ऐसे ही देखने में खैर मैंने तो खा लिया है तो मेरे को तो पता ही है आप भी बनाओ खा के देखो क्या मजा आ जाएगा और ये फ्रूट लवर्स ये ये एक्चुअली केक ऐसा है कि ना सिर्फ बच्चों के लिए क्या होता है चॉकलेट केक बनाते हैं तो बच्चे ज़्यादा खाते हैं बड़ों को पसंद नहीं आता है लेकिन ये ऐसा केक है जो बड़े भी पसंद करेंगे और बच्चे तो खैर खाएंगे ही खाएंगे सो डेफिनेटली बना के देखिए और ये जब आप खाते हैं तो ये थोड़ा अलग टेस्ट आता है क्योंकि आप जब होटल से मंगाते हैं उसमें पाइन ऊपर से डालते हैं बट इसमें एवरी बाइट विल गेट यू पाइनएपल्स ट्राई और हमें बताइए कैसा लगा